Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy Hub. Chapter number 12, Banking in India. Ramesh Singh ki series hum follow up kar rahe hain jiske andar main ye sare ke sare topic kar chuke hain. Playlist mein jaake aap sari cheeze dekh sakte ho. Aaj ki class mein aapko small and payment banks ke bare mein bataunga bahut detail ke andar. Uske baad aapko sare ke sare concept clear ho jayenge. Yani aaj ka hamara main jo target hai that is small and payment banks kya hote hain, theek hai? Iske liye maine notes banaye hain. Pehle hum notes se padhenge fir hum book se reading lagayenge, theek hai? To notes aap sabhi logo ke samne ye तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेमेंट बैंक्स का मतलब क्या होता है. दोस्तों देखो, पहली बात आप एक चीज याद रखना, पेमेंट बैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे जैसे पेटीएम हो गया, भीम पे हो गया, इन सब की बात करेंगे. तो मैंने आपको पहले एग्जांपल बता दिया तो थोड़ा सा दिमाग में आपके एक कॉन्सेप्ट रहेगा. देखो बेसिकली क्या है, हमारे पास दो बैंकिंग होती है, एक पेमेंट बैंक होती है और एक स्मॉल बैंक होती है. ये बेसिकली क्या होती है, एक तरह की शेडो बैंक ही होती है, बट ये प्योरली बैंक नहीं होती है. जो छुटपुट काम होते हैं वो ये लोग कर लेते हैं. बेसिकली पेमेंट बैंक को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था, पेमेंट मैकेनिज्म को बढ़ाना, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको बढ़ावा देना एक छोटे स्तर पे. और खास तौर पे हम चाहते थे कि एनपी जैसी प्रॉब्लम अब इंडिया के अंदर ना आए, क्योंकि ऑलरेडी हम बेसल नॉर्म 1, 2, 3 फॉलोअप कर चुके थे. तो एनपी जो समस्या है वो कुछ तो कम हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई थी. तो हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा एनपीओ जीरो हो गया, मतलब पेमेंट बैंक्स का एनपीओ जीरो हो गया, ओवरऑल जीरो नहीं हुआ, ठीक है. तो चलो मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट है क्या. आखिर देखो बेसिकली जो हमारा पेमेंट बैंक है वो क्या स्टार्ट करता है, जब भी पेमेंट बैंक को बनाना होता है तो आपको उसके लिए मिनिमम 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए होती है. अगर आप 100 करोड़ से कम की कैपिटल पर सोच रहे हो पेमेंट बैंक को बनाना तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है. मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उसकी 100 करोड़ होनी ही चाहिए. और बेसिकली जो पेमेंट बैंक है ये हमारी डॉक्टर नेकिट मोर कमेटी के थ्रू बनाई गई थी. याद रखना इस कमेटी का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पेमेंट बैंक के लिए कौन सी रिकमेंडेशन या कौन सी कमेटी के थ्रू बनाया गया था. तो डॉक्टर नेकिट मोर कमेटी के थ्रू बनाया गया, जिसमें बोला गया कि अगर आप पेमेंट बैंक्स खोलना चाहते हो तो आपको मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल अपनी 100 करोड़ की रखनी है. नंबर 2 कि आपको जो 100% फंडिंग है उसमें से 75% आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा. मतलब ये कि आपके जो पैसा है उसका 75% का आपको गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना पड़ेगा. अब गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, एक तरह की सिक्योर पेमेंट है कि इससे पेमेंट बैंक का जो ट्रस्ट है लोगों के ऊपर वो बना रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स उसमें इन्वॉल्व है. बाकी जो 25% डिपॉजिट है वो आप अदर बैंक्स के थ्रू कर सकते हो, ठीक है. यानी 100 में से 75% आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय करने पड़ेंगे और 25% आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा अदर बैंक्स के अंदर. अब इसमें खास चीज क्या होती है, अगर कोई बंदा पेमेंट बैंक खोलना चाहता है तो वो इंडियन खोल सकता है, और इंडियन भी कितना हैव एटलीस्ट 26% स्टेक इंडियन का होना चाहिए. बाकी अगर कोई स्टेक लाना चाहे तो लगा सकता है, बट 26% उस पर्सन का होना चाहिए जो इंडियन बनता है. गेट लिस्टेड इफ नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर इन नेक्स्ट 3 ईयर्स. अब जब पेमेंट बैंक बन गई है तो कहा जाता है उसके अगले 3 साल के अंदर, नेक्स्ट 3 ईयर मतलब 3 साल के बाद में आपको लिस्टेड होना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और तब आपको अपनी जो कैपिटल है वो 100 करोड़ से बढ़ा के 500 करोड़ कर लेनी चाहिए. क्योंकि देखो जब आप नई नई खुले हो तो 100 करोड़ से खुल जाओ, लेकिन एटलीस्ट 3 सालों में आपने इतना अपने ट्रांजेक्शन्स कर लियो कि एटलीस्ट 500 करोड़ की नेटवर्थ तो आपकी हो जाए. और अगर नहीं हो रही तो 3 साल के बाद आप स्टॉक मार्केट में पैसा रेज करके वो नेटवर्थ अपनी मेंटेन कर सकते हो. कहा गया है कि इसमें 25% ब्रांचेज जो हैं वो अनबैंक्ड एरिया के अंदर आपको खोलनी पड़ेंगी. देखो हम पेमेंट बैंक फालतू में थोड़ी खोल रहे हैं, बेसिकली मेन पर्पज़ ये है कि उन जगहों पर भी रीच हो सके जिन जगहों पर नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं हो सकती. वरना हमारे पास तो कॉमर्शियल बैंक भी थी ना, हमारे पास तो रीजनल रूरल बैंक भी थी, हमारे पास कॉपरेटिव बैंक भी थी. बट बेसिकली पेमेंट बैंक को खोलने का मकसद क्या है, ताकि जो अनबैंक्ड एरिया जो हमसे छूट गए हैं उसमें 25% का एरिया आपको कवर करना ही पड़ेगा. और याद रखना इस पेमेंट बैंक के अंदर पेटीएम में एग्जाम्पल के तौर पर याद करो, डिमांड डिपॉजिट हो सकता है, सेविंग और करंट अकाउंट खोल सकते हो, बट आप रिकरिंग अकाउंट और आप अपना टर्म अकाउंट यानी कि जो आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है वो आप ओपन नहीं कर सकते हो. इसकी खासियत होती है, आप देखो जो पेमेंट बैंक होती है ये करंट अकाउंट ओपन कर सकती है, सेविंग अकाउंट ओपन कर सकती है, बट FD ओपन नहीं कर सकती है, रिकरिंग डिपॉजिट ओपन नहीं कर सकती है, और ना ही ये लोन्स एंड एडवांसेस दे सकते हैं. इसीलिए इनका NPA नहीं होता. सोच के देखो जब लोन्स एंड एडवांसेस लोन ही नहीं दे रहे तो NPA कहां से होगा. तो वही लिखा है, यहां से क्वेश्चन दिमाग वाले पूछे जाते हैं कि पेमेंट बैंक जब लोन नहीं दे रही है तो ऐसे में क्या उसे बेसल नॉर्म फॉलो करने पड़ेंगे. नहीं करने पड़े, क्योंकि बेसल नॉर्म जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है 8%, 9%, 10%, वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं जो लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं. और इवन इन्हें PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई कॉमर्शियल या फॉरेन बैंक नहीं. कॉमर्शियल बैंक होती है तो 40% PSL है, फॉरेन बैंक होती है तो 40 है, जिनकी 20 से ज्यादा ब्रांच है और 20 से कम ब्रांचों पर 32% का PSL करना पड़ता है. यहां कोई PSL करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. और क्योंकि ये लोन्स एंड एडवांसेस नहीं देते तो NPA का तो खैर सवाल ही नहीं उठता. और याद रखना इनमें मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकते हो अकाउंट के अंदर एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है. क्योंकि बेसिकली ये पुअर के लिए बनाई गई, पेमेंट बैंक जो है छोटे छोटे लोगों के लिए बनाई गई. ऑब्वियस ही बात है
कि जो कॉमर्शियल बैंक है उसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं, वॉट अबाउट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स या मार्जिनल जो लोग होते हैं उनकी पेमेंट्स कहाँ पर रखी जाती हैं? वो पेमेंट बैंक्स में रखी जाती हैं, ठीक है। अब देखना, आप कभी भी पेटीएम के अंदर आप 1,00,000 रुपये डिपॉजिट करो, जैसे आप 1,00,000 से ऊपर डिपॉजिट करोगे उसका ना इंडसलैंड बैंक के साथ टाइप हो रखा है, वो तुरंत आपकी उस डिपॉजिट को इंडसलैंड बैंक में ट्रांसफर कर देगी। क्योंकि देखो, अगर कोई चीज़ मैं नहीं कर सकता तो मैं अपनी उस चीज़ को कहीं और शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि और बदले में कुछ कमीशन चार्ज कर लूंगा। तो पेटीएम भी कुछ ऐसे ही करती है, पेटीएम का भी टाइप हो रखा है इंडसलैंड बैंक के साथ कि 1,00,000 से ऊपर होते ही वो डिपॉजिट इंडसलैंड बैंक में कन्वर्ट कर दी जाती है। क्लियर हुआ? तो मैं रिपीट कर दूं, पेमेंट बैंकों की मिनिमम पेडअप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़। इनको 75% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाना पड़ता है, 25% किसी और बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, 26% इंडियन का अपना पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि अगर इंडियन का पैसा 26% नहीं लगा तो हो सकता है कल वो पेमेंट बैंक खोल के वो इधर उधर हो जाए, तो उसका भी अपना स्टेक होल्डिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको 3 सालों के अंदर अपनी नेटवर्थ 100 करोड़ से बढ़ा के 500 करोड़ कर लेनी चाहिए और लिस्टेड होना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। 25% आपको अपनी ब्रांचेज जो है वो रूरल एरियाज में खोलनी पड़ेगी, जहाँ पर अनबैंक्ड, रूरल नहीं बोलूँगा, अनबैंक्ड एरिया, मतलब जहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं है वहाँ पर खोलनी पड़ेगी, फिर चाहे वो शहरों में चाहे वो गाँव के अंदर हो। यहाँ पर आप सिर्फ डिमांड डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट सीए और एसए और सीए खोल सकते हो, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट या लोन्स एंड एडवांस जैसी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। 1,00,000 तक का आपका कैप है, उसके बियॉन्ड आप काम नहीं कर सकते। और ये किस कमेटी के थ्रू किया गया था? डॉक्टर नेक्चिट मोर कमेटी के थ्रू ये चीज़ें की गई थी। क्लियर हुआ? अब यहाँ ध्यान दो, ये मेन चीज़ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट बैंक इज टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश। याद है लास्ट क्लास में आपको वित्तीय समावेश के बारे में पढ़ाया था, तो वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए ताकि कि एक उन लोगों को भी बैंकिंग की फैसिलिटी मिल पाए जो लोग बैंक के दरवाजे पे नहीं जाते हैं, जो स्मॉल स्मॉल लोग्स होते हैं। एक बात बताओ कि एक रेडी वाला पेटीएम का स्कैनर लेकर घूम रहा है, क्या वो कभी बैंक गया? नहीं गया, बट फिर भी वो बैंकिंग की सुविधाएं ले पा रहा है पेटीएम के थ्रू, है ना। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी आप फाइनेंशियल इंक्लूजन में पेटीएम पेमेंट बैंक का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पेमेंट बैंक का कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करे, प्रोवाइड करे स्मॉल सेविंग्स को, पेमेंट सर्विसेज को, हाउस होल्ड को या लो इनकम ग्रुप को, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। एक बात हो, पान वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, हेयर कट वाला हो गया, ये सब क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इनको जोड़ने के लिए पेमेंट बैंक उनका सारा है। इसलिए आप देखते हो कि पेटीएम बैंक का जो स्कैनर है, पेटीएम का स्कैनर हो गया या भीम का भीम पे हो गया, इनके स्कैनर्स यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि इन सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए, पेमेंट बैंक जो होते हैं कैन नॉट बी सेट अप एनी सब्सिडरी, पेमेंट बैंक अपनी कोई सब्सिडरी नहीं ओपन कर सकते, मतलब 51% से ज्यादा किसी होल्डिंग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। द पेमेंट बैंक वुड बी रिक्वायर्ड टू यूज द वर्ड पेमेंट इन इट्स नेम, डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर्स। आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड है, अब देखो पेटीएम है, पेटीएम कंपनी नहीं है, उसका ब्रांड नेम है, पेटीएम की कंपनी का तो नाम कुछ और है, उसके नाम के आगे पेटीएम वर्ड यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आरबीआई ने क्या, देखो अब क्या होता है, जब पेटीएम पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो आरबीआई के पास कई सारी एप्लीकेशन आई, कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन चाहते थे पेमेंट बैंक्स को खोलना, 42 एप्लीकेशन आई, लेकिन उनमें से सिर्फ अभी तक 11 कंपनियों को ही लाइसेंस मिला है कि वो अपनी पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला लाइसेंस एग्जाम्पल याद कर लो, भारतीय एयरटेल को मिला था, सबसे पहला पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है वो किसको मिला था? भारतीय एयरटेल बैंक को मिला था। अभी एट प्रेजेंट में हमारे पास 6 बैंक्स हैं जो ऑपरेशन में हैं, दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड सबसे पहली बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, पेटीएम तो आप समझिए ना, जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। अब ये बताओ पेमेंट पेटीएम बैंक लिमिटेड, कभी नाम सुना था आपने? सिर्फ पेटीएम का नाम सुना बेटा, पेटीएम ब्रांड नेम है, ठीक है, उसकी कंपनी क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, NSDL पेमेंट लिमिटेड, जियो पेमेंट लिमिटेड, ये 6 टोटल कंपनियां जो एट प्रेजेंट में हमारे पास वर्क कर रही हैं। 42 एप्लीकेशन में से 11 कंपनियों को लाइसेंस मिला और 11 में से एक्टिव कितनी अभी? 6 हैं। बोलो क्लियर हुआ? दिस इज ऑल अबाउट योर पेमेंट बैंक्स। क्लियर हुआ? अब पेमेंट बैंक को एक बार बुक से रीड करें, या चलो पहले एक काम करते हैं स्मॉल बैंक भी पढ़ लेते हैं, फिर हम बुक से रीडिंग लगाते हैं इसकी। अब आते हैं स्मॉल बैंक पर। स्मॉल बैंक क्या होती है? देखो आपने NBFC पढ़ा था, NBFC का अपोजिट कर दो स्मॉल बैंक बन जाता है, NBFC का अगर आप अपोजिट कर दो। अब ये वही बात है ना, आपने पिछली क्लासेस को ध्यान से नहीं पढ़ा दोस्तों, प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं उनको दो दो बार देखा करो। ये जो रमेश सिंह की सीरीज चला रहा हूँ, इक्कीस चैप्टर पूरे करवा रहा हूँ, इसको अगर आप दो दो बार देखो तो दिमाग में पहली बार कॉन्सेप्ट बैठता है, दूसरी बार उसको लर्न करने की बात होती है, समझ रही बात? आप एक बार देख के संशा बनने की कोशिश करोगे नहीं हो पाएगा दोस्तों, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है दो दो बार देख लो, ठीक है। चलो स्मॉल बैंक की बात करते हैं दोस्तों। स्मॉल बैंक को खोलने के लिए आपकी मिनिमम पेडअप शेयर कैपिटल जो है वो 200 करोड़ होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, 75% आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी पड़ती है और 25% आप अनबैंक्ड एरिया में अपनी क्या खोलोगे,
स्मॉल बैंक्स को ओपन करोगे, इसमें आपको रिजर्व्स को मेंटेन करना पड़ता है। एक बात बताओ, जब ये अपने पास, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये स्मॉल बैंक जो है वो सेविंग अकाउंट भी ओपन करती है, करंट अकाउंट भी ओपन करती है, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और लोन सेंड एडवांसेस। तो जब वो ये सारे के सारे नॉर्म्स फॉलो करे, तो इसका मतलब उसे आरबी के सारे नॉर्म्स जो कॉमर्शियल बैंक फॉलो करती है वो इसको भी फॉलो करने पड़ेंगे, यानी इसको बेसल नॉर्म भी फॉलो करना पड़ेगा 1, 2, 3, इसको रिजर्व, सीआरआर, एसएलआर, एमसीआर, जो भी चीज़ है वो सारी इसको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। तो वही लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट के अंदर, इसको मेंटेन करना पड़ेगा रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके लोन की कैप जो है वो याद रखना 2.5 लाख तक का लोन ये प्रोवाइड करा सकता है, या 10 से 15% जो इसकी नेटवर्थ है, और मैक्स टू मैक्स ये 2.5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराएगा। अभी एक बात हो, कोई बड़ा उद्यमी है, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या वो यहां से लोन लेगा कभी, या इसमें खाता खुलवाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोन कितना है, 25 लाख का है। अब इसमें कौन लोग खुलवाएंगे? छोटे छोटे लोग, तभी तो हमने इसका नाम स्मॉल बैंक रखा है। दोस्तों ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही एक पार्ट है, स्मॉल बैंक भी, जैसे पेमेंट बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है, वैसे स्मॉल बैंक भी है। हम बेसिकली छोटे छोटे लोगों को क्या करना चाह रहे, कैप्चर करना चाह रहे कि उनको भी बैंकिंग की फैसिलिटी मिल पाए। क्लियर है? और ये चाहे तो अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नेटवर्क को बना सकते हैं, मतलब आसपास के लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनको कमीशन बेस पर काम करवा सकते हैं। यहाँ पर जो पेमेंट बैंक है, अगर वो चाहे स्मॉल बैंक में कन्वर्ट होना, पेमेंट बैंक, अभी मैंने पीछे एग्जांपल जो दिया था ना, ये पेमेंट बैंक वाला, पेमेंट बैंक अगर स्मॉल बैंक में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसके पास मिनिमम 5 साल का ऑपरेशन होना चाहिए पेमेंट बैंक का, मतलब पेमेंट बैंक को खोले हुए 5 साल हो गए, 5 साल से काम करिए तब वो अपने आप को स्मॉल बैंक में कन्वर्ट करा सकते हैं। और इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है 75%, मैंने ऊपर ही बताया था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो रिजर्व कर दिए गए कि आपको इनको ही लोन देना पड़ेगा, इनको बोलते हैं स्मॉल बैंक्स। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो अब यहाँ पर क्या, स्मॉल बैंक सेविंग, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस, ये सब खोल सकती है, और इसको बेसल नॉर्म और अदर रिजर्व्स भी फॉलो अप मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि अगर मान के चलो कोई फॉरनर है वो इसमें एफडीआई करना चाहता है, तो एफडीआई की कैप बना देगी 74%, यानी अगर बाहर का व्यक्ति स्मॉल बैंक में पैसा लगाना चाहता है तो 74% से ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकता, क्योंकि जैसे उसे 75% की होल्डिंग मिलेगी, 3% होल्डिंग उसके पास चलेगी, मेजोरिटी वोट्स उसके फेवर में चलेंगे, तो पूरा होल्डिंग उनके हाथों में चला है, जो हम नहीं देना चाहते। इसलिए मैक्स टू मैक्स कैप कितना है आपका, 74% का है। क्लियर हुआ? जो इसके प्रमोटर्स होते हैं, जो स्मॉल बैंक को बनाते हैं, कहा गया उनको अपना 40% पैसा लगाना पड़ेगा इसके अंदर। अगर मान लो ये 40% ना होता, मान लो 5% लगा के पेमेंट बैंक खोल देते, तो कल को वो क्या करते, फ्रॉड कर देते, 5% पैसा आराम से विड्रॉ कर लेते, पेमेंट बैंक को ऐसे ही छोड़ देते। तो कहा गया प्रमोटर को अपना 40% पैसा लगाना पड़ेगा, जिससे ट्रस्ट बिल्डअप हो कि लोग इतना बड़ा अमाउंट का पैसा खुद विड्रॉ नहीं कर सकते। यानी देखो मिनिमम पीडब्ल्यूशन कैपिटल कितने, 200 करोड़ का 40% कितना हुआ, यानी 80 करोड़ जो व्यक्ति इसको बना रहे उनका खुद का पैसा होना चाहिए, प्रमोटर का अपना होना चाहिए। लेकिन अगर कल को ये अपना शेयर डाइल्यूट करना चाहते हैं, जो इक्विटी शेयर उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, तो 5 साल के बाद ये अपना 30% शेयर कर सकते हैं, मतलब अगले 10 सालों में 30% शेयर रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके भी 5 साल के बाद ये अपना शेयर 40 से कितना कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। बट इनिशियल स्टेज पर पहले 5 साल इनको कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 40%। फिर 5 साल बीत जाएंगे तो अगले 10 सालों में 30% कर सकते हैं, फिर उसके 5 सालों में 15% कर सकते हैं, याद रखना ये बात। इसको खोलने के लिए आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल होना जरूरी है, और आपको 10 सालों का बैंकिंग एक्सपीरियंस या फाइनेंशियल कंपनी सोसाइटी वगैरह में आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप कोई स्मॉल बैंक्स खोल सकते हो, ऐसे आप नहीं खोल सकते हो। ठीक है, इनिशियल लेवल पे आपको, अगर आप ब्रांच का एक्सपेंशन करते हो तो आपको उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, बट बाद में जाके आप ऐसा करोगे तो उसके लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कौन कौन सी हमारे पास स्मॉल बैंक्स है, आदित्य बिरला नवो, एयरटेल एम कॉमर्स सर्विस, चेलोमंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, डिपार्टमेंटल ऑफ पोस्ट, फिनोपे टेक्नोलॉजी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी जो NSDL है हमारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिलीप सेनेटियल संघवाई, विजय शेखर शर्मा, अच्छा विजय शेखर शर्मा पेटीएम के मालिक है, ये पेटीएम के मालिक है विजय शेखर शर्मा, इन्होंने स्मॉल बैंक के लिए अप्लाई किया हुआ है, टेक महिंद्रा, वोडाफोन, एम पैसा, ये हमारे पास 11 पार्टिसिपेंट हैं जो स्मॉल बैंक की तरीके से क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप कि आपको स्मॉल और पेमेंट बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। दोस्तों ये काम आप खुद घर पे करोगे, ये मैंने डिफरेंशिएट बताया हुआ है पेमेंट बैंक्स का और स्मॉल बैंक्स का, इसको आप खुद पढ़ोगे, कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, वहाँ मैसेज करके आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हो वहाँ भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। दोस्तों कभी भी डाउट पूछते हो पहले अपना नाम और अपनी स्टेट का नाम जरूर बताया करो, इसके बाद अपने डाउट पूछा करो। ठीक है, तो ये आपको खुद काम करना है, इवन ये भी आपको खुद करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमर्शियल एंड कॉपरेटिव बैंक, ये आपको मैं
आप सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, इससे आपको इस सारी चीज़ें खुद करनी है। और दूसरा, कॉमर्शियल और आरआरबी में क्या डिफरेंस होता है? आप कहोगे सर हमें नोट करने का मौका नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पीडीएफ फाइल के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है जिसका नाम इकोनॉमिक सीजीए। नहीं मिले तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा, उसको ज्वाइन कर लो। ये सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो अब जरा एक बार बुक से रीडिंग लगाते हैं स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 12 और स्मॉल बैंक, ये देखिए स्मॉल बैंक्स, ठीक है। स्मॉल बैंक वही है 2014 में कॉन्सेप्ट आया, आरबीआई इसको लेकर आई और अलग अलग तरह की गाइडलाइंस जो है वो इनके ऊपर लगाई गई कि गाइडलाइन के तहत काम करेंगे तो ही ये पेमेंट बैंक या स्मॉल बैंक खोल सकते हैं। स्मॉल बैंक में क्या है, 100 करोड़, लेकिन अब ये लिमिट बढ़ के 200 करोड़, बुक थोड़ा लेट आप कह सकते हो, इन्होंने ये चीज़ चेंज नहीं की, ये अभी 200 करोड़ चल रही है, ठीक है। बट पेमेंट बैंक के लिए 100 करोड़ है, हो सकता है पेमेंट बैंक के लिए लिखी हो, लेकिन स्मॉल बैंक के लिए कितना है, ये 200 करोड़ है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो अभी एक मिनट रुकना। हाँ, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो प्रमोटर को अपना 40% पैसा लगाना पड़ेगा, फिर पहले 5 साल के लिए, इसके बाद वो अपना शेयर डाइल्यूट कर सकते हैं 15 साल में 30%, फिर वो अपना नेक्स्ट 5 ईयर में डाइल्यूट कर सकते हैं 26% तक। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉरेन शेयर होल्डिंग पैटर्न में कितना है, 74% है, कितना हो सकती है 74% होती है। पढ़ो यार, पूरा समझ आएगा, मैं लाइन टू लाइन क्या पढ़ाऊँ, आप इतने छोटे बच्चे तो होंगे कि पहले मैं वहाँ से पढ़ाऊँ फिर यहाँ से भी पढ़ाऊँ, ठीक है। बस आपको बता रहा हूँ स्मॉल बैंक, अच्छा स्मॉल बैंक की कौन सी कमेटी थी ये याद करने वाली चीज़ है, सॉरी मैं आपको वहाँ बताना भूल गया, बट यहाँ याद कर लो। उषा थ्रॉट ये डिप्टी गवर्नर है और इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, वहां पर ये रिकमेंड किया था स्मॉल बैंक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अब ये देखो मैंने यहां पर हाईलाइट कर रखी है, ये सारी चीज आप खुद पढ़ लेना, ये जितने भी चीज है ना ये आप खुद पढ़ लेना, आपको प्रॉपर समझ आएंगी, ठीक है। ये देखो हाईलाइट कर लेना अपनी बुक्स के अंदर भी, वही चीज है मैं बार बार क्या उसमें रिपीट करूं। ये लो, इसका पेमेंट बैंक के लिए कौन सी कमेटी है, डॉक्टर नेचेट मोर डायरेक्टर थे आरबीआई के, इन्होंने ये जो पेमेंट बैंक का ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये जितनी हाईलाइट चीज़ें की ये आप खुद पढ़ना है इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि देखो अब हम बैंकिंग करते हो, हमारे पास 25 क्लासे हो चुकी लगभग, तो इतना तो आप एक्सपर्ट बन ही गए हो कि अगर मैं नोट से पढ़ाऊँ और बुक से रीडिंग करने के लिए दूँ तो आप कर सकते हो भाई, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ाने लगूंगा तो तुम बिल्कुल डिले हो जाओगे, खुद पढ़ना ही नहीं भूल जाओगे फिर, तो समझ आई बात। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो आप याद करना। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा कॉन्सेप्ट था दैट इज स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स, वो हमारा कंप्लीट होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं जब भी हमारा टारगेट पूरा होता है हम उस पर क्या करते हैं, टिक करते हैं, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो लोग सोचते हैं गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना, मैं बताता हूँ गोल्ड कभी मत खरीदो, बल्कि आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम खरीदो। क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊँ, और मुद्रा बैंक के बारे में बताऊँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।